सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल हाउस को और बेल घंटे का दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल हाउस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ केबिल साइज और ग्लैंड साइज और ग्लैंड का जो होलसा कटर होता है, जो ग्लैंड जो लगता है जो प्लेट में जो होल करके जो लगाता है उसका जो होलसा कटर उसका साइज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आगे तक वीडियो देखते रहिए और जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक केबिल ग्लैंड है, ये आपका डबल कॉम्प्रेसर केबिल ग्लैंड है और ये है होलसा कटर, इसका साइज होता है ठीक है, ये आपका इस ग्लैंड में लग जाता है ठीक है। ये आपका 20 का ग्लैंड है, 20 का ग्लैंड में फिट हो जाता है ठीक है, 20 का ग्लैंड का होलसा कटर है। तो उतना होलसा कटर मेरे पास नहीं है तो एक सिंपल के लिए रखा हूँ। और ये है आपका पीवीसी ग्लैंड है, ये वाला वो आपका लग जाता है 4 क्रम में 6 क्रम में लग जाता है ठीक है। तो चलिए शुरू करता है। तो इसको रखता है साइड पे ठीक है, इसको साइड पे रखता है। तो इसका जो 1.5 जो वायर होता है तो उसका केबल ग्लैंड नहीं होता है, तो उसका पीवीसी ग्लैंड ही लगता है इसका, तो उसके 20S लग जाता है। ये आपका 1.5 का ग्लैंड नहीं है और भी छोटा होता है, तो ये आपका 4 क्रम 6 क्रम में लग जाता है ठीक है। तो इसका कैसे ग्लैंड किया जाता है तो मैं एक वीडियो बनाएगा लाऊँ। तो आपका जो आई बटन दिख रहा है ऊपर में, इस साइड पे लग रहा होगा, इस साइड पे लग रहा होगा एक आई बटन, उसमें आपको वीडियो का लिंक दे देगा। तो 1.5 का जो ग्लैंड है उसका 20 का ग्लैंड लगता है ठीक है, 20S ग्लैंड साइज है ठीक है, ये भी 20S का ग्लैंड साइज लगता है, 4 क्रम में ये भी 20S का 20L लगता है ठीक है, एल नहीं इसका 20S लगता है, 20S लगता है और 6mm का 20L लगता है ठीक है, और 10mm के केबल का जो ये लगता है 25L लगता है, 16 का 25S, 10 का 25S लगता है, 25L लगता है 16 का, और 25mm केबल का 25mm केबल का आपका लगता है 32S, और 32.5 का लगता है 32L, और 50 का लगता है 40L, 50 का लगता है 40L, लगता है और इसका लगता है 40L, 95 का लगता है 95 का लगता है 50S, 24 का 50L और इसका 150 का लगता है 63S और 185 का लगता है 63L, 40 का लगता है 75L ठीक है, ये हो गया। तो इसका जो ग्लैंड साइज होता है, ये जो दोनों चार केबिल है तो इसका एक्चुअली होल सकाटा नहीं लगता है, उसका जो बीट होता है ना उसमें से ही होल हो जाता है ठीक है। तो इसका जो बीट होता है इसमें से होल हो जाता है। तो इसका जो 6mm केबल का इसका जो होलसा कटर साइज होगा, बोला ना इसका 20mm का होलसा कटर होगा, तो 20mm का होगा, ए भी 20mm का होगा, और ए भी 25 का होगा ठीक है, सॉरी
ये 20 mm का, ये 25 mm का, ठीक है, ये होगा 32। ये जो 16 और 25 का देख रहा है, ये 25 और 25 और 32 जो केबिल है, साइज है उसका, होलसा कटर सेम होगा, ठीक है। और 50 और 70 का जो होलसा कटर साइज होगा वो भी सेम होगा, सिर्फ ग्लैंड साइज चेंज होगा। 4S 4L इसका ग्लैंड साइज होता है, 95 120 का 50 का होलसा कटर होगा, ठीक है। और 150 का और 63 का जो ग्लैंड साइज है, ये दोनों का ग्लैंड साइज सेम होगा, 63, ठीक है। होलसा कटर साइज का 240 और 300 mm का जो होलसा कटर साइज होगा, ये 75 mm का होगा, 75 mm, ये 75 mm है, ये भी 75 mm है, सब mm का होगा, ठीक है। ठीक है, ये जो 1.5 2.5 ये दोनों लग जाता है लाइट में, ठीक है। और ये जो 4 mm और 6 mm ये लग जाता है आपका हीटर, वो ठीक है, हीटर के लिए लग जाता है। और ये जो 16 से जितना केबल है ये लग जाता है आपका जो लोड हिसाब से जो करंट देता है इसके लिए ये लग जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।